बस्ती जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देख और सुन लोग अपने दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। कारण, इस मामले का जिक्र ना तो मेडिकल साइंस में है ना ही किसी अन्य किताब में। यहाँ पर एक गर्भवती महिला के भ्रूण में भ्रूण डेवलप होते हुए देखा गया है। जब गर्भवती महिला चिकित्सीय सलाह लेने के लिए डॉक्टर के पास आती है तो उसका अल्ट्रासाउंड करा जाता है। पहला भ्रूण जो 5 महीने का है, और जब उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कारण, गर्भवती महिला के भ्रूण में एक 8 सप्ताह का दूसरा भ्रूण भी डेवलप हो रहा था। पेश है एक रिपोर्ट। जब मैम ने बुलाया तो उसको, यहाँ पर 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थे, जो 3 पॉसिबिलिटी थी, एक कॉम्प्लेक्स मेजेंट्रिक सिस्ट, दूसरा टेरेटोमा, तीसरा फीटस इन फीटू। अच्छा, अब उसको डिफरेंशिएट हमको करना था टेरेटोमा से। टेरेटोमा से डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें हमने उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें एक्सियल स्केलेटन, मतलब स्पाइन दिख रही थी, फीमर दिख रही थी, इससे हमने उसको डिफरेंशिएट कर लिया कि ये टेरेटोमा नहीं है, फीटस इन फीटू है, मतलब भ्रूण के अंदर भ्रूण पल्ला। यही डिफरेंशिएटिंग फीचर था, उसी के बेसिस पे इसको दिया गया। एक कंडीशन होती है मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विंस, उसमें क्या होता है कि जैसे दोनों बच्चे हैं, एक का किसी कारण डेथ हो गया और दूसरा ग्रोथ करता रहता है, उसको सराउंड कर लेता है, फिर वो उसके किसी पार्ट में आ जाता है। फिर एक तो जो पहला बच्चा है उसका तो ग्रोथ नॉर्मल हो ही रहा था, और ये डेथ बच्चा था जो उसके अंदर चला गया, उसका भी ग्रोथ उसके साथ मांस के टुकड़े टाइप का होता रहता है। वो उसके अंदर वो बच्चा है, मान लीजिए नॉर्मल डिलीवर्ड भी ये हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवर्ड होने के बाद उसके पेट में दर्द या वो पेट बढ़ता रहेगा, फिर उसके बाद से जैसा बच्चा कंप्लेन करेगा सीटी या जो भी होगा, उसके बाद से वो चीज़ आएगी। अब माँ तो माँ ही रहेगी। क्या ये ऑपरेट करने के बाद, ये इसमें ऐसा कुछ है कि ऑपरेट होने के बाद बच्चा नॉर्मल रहे या न रहे? ये तो भाई पीडियाट्रिशियन सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि पीडियाट्रिशियन कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, ये ज़्यादा डिटेल में तो ये पीडियाट्रिशियन। आप लोगों के कैरियर में इस तरह के केस कितने? पहला केस है। नहीं, जैसे ये आ रहा है, मान लीजिए क्या हिंदुस्तान या ऐसा कहीं ऐसा कोई है भी सिस्टम की जो बच्चे के अंदर बच्चे ऐसा कुछ ऑपरेट? नहीं नहीं, अभी तो जैसे बताया मैम ने ना, 5 लाख में लगभग एक केस रिपोर्ट है, मान लीजिए 5 लाख में एक, बहुत रेयरेस्ट है। कभी कभी तो पूरी वो आपका कैरियर खत्म हो जाता, आदमी नहीं देख पाता, बाई चांस 2 लाख यहाँ दिख गया। हाँ, ये अपने आप में एक दुर्लभ केस होता है। इसको फीटस इन फीटू यानी भ्रूण में भ्रूण कहा जाता है। ये करीब करीब 5 लाख से ऊपर पैदा हुए बच्चों में से किसी एक में पाया जाता है। अभी हम मेरी एक महिला है जिसके 5 महीने की प्रेगनेंसी थी, उसका मैंने डॉक्टर आशा सिंह से अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उस अल्ट्रासाउंड में उनको लगा कि इस बच्चे के पेट में एक और सैक और उसमें कुछ बच्चे जैसी चीज और उसके पैर की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो हमने अपने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.एन. पांडे को बुलाया कि डॉक्टर साहब आप एक अपनी ओपिनियन दे दीजिए, क्योंकि ये रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो हमको लगा कि इस केस में हमको इनकी राय लेनी चाहिए। तो इन्होंने इसको देखा तो इन्होंने कहा कि ये एक रेयर कंडीशन है जिसको फिटस इन पीटू कहते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी प्रेगनेंसी में ट्विन प्रेगनेंसी जुड़वा बच्चे जो बनते हैं उसमें से उसी अवस्था में एक भ्रूण उस बच्चे के अंदर कहीं से अटैच हो जाता है, और ये वहाँ से अपना पोषण लेके धीरे धीरे एक नॉर्मल बच्चा तो वो नहीं बनता, लेकिन एक वो मांस की तरह डेवलप करता रहता है। और आगे चल के फिर अगर बड़ा बच्चा इस कंडीशन के साथ सुरक्षित पूरा पहुंच जाता है तो वो फिर इसको इस आगे चल के उस सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर उसमें वो मांस जो है वो कैंसर में भी बदल सकता है। और ये भी संभव हो सकता है कि उस मांस की वजह से वो बच्चे में ही इस तरह की अबनॉर्मलिटी हो जाए कि वो खुद ही पूरा ना विकास अपना कर सके।